गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे थर्ड मार्च फ्यूचर के बारे में। आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लिंक दिया हुआ है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है आपको, तो उससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ पढ़ सकते हैं या फिर नोट बना सकते हैं। दूसरी चीज, कल का क्वेश्चन जो था, कल के क्वेश्चन में दो चीजें थी, काफी लोगों ने आंसर दिया बट थोड़ा गलत हो गए। तो आपकी चीजें पूछी थी मैंने कि रशिया से कितना ऑयल इम्पोर्ट हुआ है टोटल परसेंटेज में से आपका, एक तो फरवरी 2022 के अंदर, फरवरी लास्ट ईयर, एंड पूछा था कि 2021 के अंदर कितना हुआ है। अगर आप आंसर्स देखते हैं तो काफी लोग ने काफी क्लोज आंसर दिए हैं, जैसे आपका 2021 का आंसर इनका सही है बट फरवरी 2022 का गलत है। इनका इसके अंदर आपका एक चीज मिसिंग है, जिसके अंदर मतलब लास्ट ईयर का परसेंटेज फरवरी 2022 का परसेंटेज गलत दिया हुआ है इन्होंने। 51 मिलियन बैरल्स में 39% बोला है जो कि गलत है। इसका मतलब मैं वो दिखा देता हूँ पेपर के अंदर ही, मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और लास्ट ईयर का परसेंटेज मिसिंग है, ये सिर्फ फरवरी 2022 का है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा विनर डिक्लेयर नहीं हुआ क्योंकि किसी का भी आंसर ठीक नहीं था। यहाँ पर आपको दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे। इसके अंदर लिखा है कि इंडिया इम्पोर्टेड लेस देन 1% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इन 2021, आपको इस समझ में आ गया होगा, नो ऑयल एट ऑल इन फरवरी लास्ट ईयर। तो दोनों चीज यहाँ पे दी हुई थी, यहीं से आपको आंसर करना था। बाकी आज की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के बारे में। एससी नेम्स पैनल टू रिव्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स। एससी नेम्स पैनल का मतलब है, नेम करने का मतलब होता है कि बनाया है इन्होंने पैनल। पैनल बनाने का मतलब कि कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया है जिनका, जो पैनल में रहेंगे। अब ये पैनल करेगा क्या, ये पैनल रिव्यू करेगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स, अब होता क्या है, हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहती है इकोनॉमी के अंदर, जो कि काफी अच्छी बात है। अब इसके लिए होता क्या है कि बहुत सारे बैंक्स या बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हाथ में पूरा कंट्रोल है एक तरीके से इकोनॉमी का, तो वो क्या कर सकती है, वो इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अदानी वाला केस अभी देखते हैं, अब काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये प्रेडिक्टेड था, ये मतलब अदानी ने खुद किया है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, पब्लिसिटी स्टंट टाइप था। तो अगर ये सच में ऐसा कुछ चीज थी तो काफी सारे लोग जिनको इसमें लॉसेस हो गए उनकी कोई गलती नहीं थी कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो अब इससे आगे ये मतलब काफी मेजर कंसर्न की बात है। इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नॉर्म्स लेके आती है। ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स इन्होंने ऑलरेडी इन प्लेस करे हुए हैं। अब यहाँ पे जो केस हुआ इससे रिलेटेड बातचीत करने के लिए इसका रिव्यू होगा। अब ये रिव्यू होगा मतलब कि ये जो हम अभी चीज हुई अदानी वाली, इससे रिलेटेड क्या कोई नॉर्म है जो ऑलरेडी प्रोटेक्ट करता है इनको और अदानी को, हम उसके अगेंस्ट सजा दे सकते हैं, या फिर हम एक नया नॉर्म या कुछ नए नॉर्म्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर ताकि ये चीजें फ्यूचर के अंदर ना हो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस एन एक्सपर्ट कमिटी टू एग्जामिन इंडियाज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन रिस्पॉन्स टू PIL। PIL मतलब किसी ने PIL डाली थी इसके ऊपर, तो उसी के लिए हुआ है। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि आप इस चीज के ऊपर कार्यवाही करिए, ये होता है। काफी सारे केसेस के अंदर डलती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स अगेंस्ट वोलेटिलिटी ऑफ द काइंड व्हिच हैज बीन विटनेस इन द रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट का मतलब होता है कि 2-3 महीने तक, तो अभी अदानी की ही बात कर रहे हैं मेनली, क्योंकि ऊपर भी यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे चल के देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होता है फॉलोइंग द क्रैश इन द अदानी ग्रुप सिक्योरिटीज इन द वेक ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पर द एक्सपर्ट कमिटी इज हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बाय अभय मनोहर सापरे। ये आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज आपको पता है कि नेशनल जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। तो अब इसमें जो ये हैं और बाकी सारे आप मेंबर्स के नाम पढ़ सकते हैं, ये सब आपकी विद इन 2 मंथ्स एक रिपोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर ये पूरा बताएंगे कि क्या इनका रिव्यू है एंड क्या ये रिकमेंडेशन देना चाहते हैं। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये पैनल क्यों बना रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है वगैरह, गवर्नमेंट हमारी जो है कमिटीज के बेसिस पे ही काम करती है। हर चीज ऐसी जो सोचने वाली होती है, जो नया कुछ स्टेप लेना होता है, जैसे आपका आर्टिकल 370 से लेकर कुछ भी हो, तो उसके ऊपर सबसे पहले एक कमेटी बनती है, जिसके अंदर कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, उससे एक्सपर्ट्स उससे जो रिलेटेड है, उसके अंदर गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो SBI के फॉर्मर चेयरमैन भी इसके अंदर आते हैं। अगर आप बहुत डायरेक्टली सोचेंगे तो ये गवर्नमेंट के मेंबर नहीं है, बट SBI भी एक काफी मतलब ऑलमोस्ट नंबर 1 पर ही पब्लिक बैंक है, तो एक तरीके से आप इसको गवर्नमेंट का पार्ट भी मान सकते हैं। बट हाँ, ये एक्सपर्ट तो है ही अपनी फील्ड के अंदर, जिसमें अपना बेनिफिट करा सकते हैं इस कमेटी का। इंश्योरर्स आए बिगर मरीन पूल फॉर रशिया शिपमेंट्स, बहुत बेसिक न्यूज है। इंश्योरर्स जो है मतलब इंश्योरिंग कंपनीज जो होती है, जैसे LIC वगैरह, तो वो लोग ये अभी मरीन पूल यानी कि मरीन इंश्योरेंस बहुत ज्यादा चाहते हैं रशिया शिपमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो भी रशिया शिपमेंट्स कराएंगे लोग
इनलैंड और आउटलैंड दो मरीन इंश्योरेंस होती हैं, यानी कि अगर आप यहाँ से अपने मतलब जैसे इंडिया से कोई रशिया में सामान भेज रहा है तो उसकी भी इंश्योरेंस होती है, और वो उसी सेम गुड्स के लिए रशिया वाले लोग भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये चीज होता है, बहुत सारी मरीन में बहुत सारी इंश्योरेंस होती है। एक आपका अगर जैसे शिप, पूरी शिप की इंश्योरेंस होती है, एक होता है कि सिर्फ स्टॉक्स जो आप गुड्स लेके जा रहे हैं उनकी इंश्योरेंस होगी, एक होता है कि जब आपका जो शिप है वो आपके डॉक के पास है, यानी कि वो भी चल नहीं रही पानी के अंदर, वो भी लैंड खड़ी है एक तरीके से, तो वहां पर भी एक इंश्योरेंस होती है, और अगर वो चल रही है उस टाइम के लिए एक इंश्योरेंस अलग होती है। तो इस तरीके से सारी इंश्योरेंस होती है, और उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी अलग इंश्योरेंस होती है। तो ये जो सारी इंश्योरेंस होती है टोटल मिलाकर इसको मरीन पूल की इंश्योरेंस बोला गया है। एंड अब जो इंश्योरर्स हैं, जो इंश्योरिंग कंपनीज हैं, वो इनको बढ़ाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों बढ़ाना चाहते हैं, देखिए आपकी क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा कोई काम कर देता था, किसी कॉपी के अंदर कोई किसी तरीके से काम कर देता था, तो बाकी सारे लोग उससे कॉपी करते थे। तो बाहर भी इंडस्ट्री में भी यही होता है, मतलब काफी घुमा फिरा के मैं बात बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर जैसे हुआ है, जीआईसी एक री इंश्योरिंग कंपनी है। री इंश्योरिंग कंपनी, सबसे पहले मैं आपको री इंश्योरेंस बताता हूँ। री इंश्योरेंस क्या होता है कि आपने जैसे मान लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कोई आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, आपने उनको प्रीमियम दिया एंड वो आपको इंश्योरेंस दे देंगे। अगर आपका कुछ लॉस होता है तो वो आपका उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट करेंगे आपको, तो ये होता है। बट हो सकता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी आपके रिस्क को लेकर इतना श्योर ना हो सकता है कि उनको लगे कि हाँ ये इनका तो ये हो ही जाएगा। जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो उनको लगता है कि इनकी तो डेथ हो ही जाएगी जल्दी, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर वो ऐसे अनश्योर हो या रिस्क में हो, तो वो उनको वापस से किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करा ले। यानी कि आपका रिस्क जो आपने ट्रांसफर किया था इंश्योरेंस कंपनी को, वो इंश्योरेंस कंपनी और आगे ट्रांसफर कर दे किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो उसको जो इतना प्रीमियम आपने दिया उसमें से कुछ प्रीमियम देगी एंड वहां से एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको री इंश्योरेंस कहते हैं। अब एक डबल इंश्योरेंस भी होता है। डबल इंश्योरेंस के अंदर ही आप ही जो पर्सन है वो दो अलग अलग कंपनी से सेम चीज के लिए दो इंश्योरेंस खरीद लेंगे, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये अभी हम री इंश्योरेंस की बात करें। अब जीआईसी नाम की एक कंपनी है जो री इंश्योरिंग के मेनली में काम करती है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले एक फर्टिलाइजर का इम्पोर्ट्स का पूल सेटअप किया था। पूल मतलब ऐसे अलग अलग इंश्योरेंस का मिलाकर वो 500 करोड़ रुपए का था, और उस पूल ने इंश्योरेंस में लॉसेस नहीं कमाए, मतलब कि जितना उनको पेमेंट करना पड़ा वर्सेस जितना उनको प्रीमियम मिला वो कम था, मतलब वो कम था, पेमेंट कम करनी पड़ी, तो उनको लॉसेस नहीं हुए इसमें। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिल रहा है इंश्योरर्स को कि वो अपना और ज्यादा कैपेसिटी को एक्सप्लोर करें, और ज्यादा कैपेसिटी को बढ़ाएं, तो इसीलिए ये सब कर रहे हैं। इंडियन जनरल इंश्योरर्स आर लुकिंग टू सेट अप अ लार्ज मरीन इंश्योरेंस पूल टू कवर द रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, प्रोजेक्ट मशीनरी एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम द वॉर टोन रशिया यूक्रेन रीजन। मैम आपको समझ में आ गया होगा, कीन टू डेवलप मोर इंडिजिनियस कैपेसिटी फॉर मैरीटाइम इंश्योरेंस रिस्क। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि रेगुलेटरी जो आईआरडीए मतलब जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो ये चाहती है कि आपका इंडिजिनियस कैपेसिटी, इंडिजिनियस मतलब खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी इंडिया की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि मैरीटाइम इंश्योरेंस रिस्क लोग ले रहे हो। मतलब आप समझेंगे पूल कब जनरेट कर पाएंगे, जब लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस होगा या लोगों के अंदर इतना डिमांड होगा इंश्योरेंस का। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि अब ये किसी तरीके से इस कैपेसिटी को या इस डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अदानी सेल्स 1.87 बिलियन स्टेक इन ग्रुप कंपनीज, बहुत बेसिक न्यूज है। अदानी ने अपना एक यूएस बेस्ड GQG पार्टनर्स है, इनको अपना इन चार कंपनीज के अंदर कुछ कुछ स्टेक्स बेचे हैं, और स्टॉक कितना बेचा है वो यहाँ पे बताए हुए मिलियन के अंदर, ये चीज है, परसेंटेज के अंदर भी दिया हुआ है, रेट पर शेयर भी दिया हुआ है, टोटल वैल्यू भी दी हुई है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, जितना इन्होंने जिसमें बेचा है जिस रेट पर डील हुई है। और अब इनका क्या था कि जो यूएस बेस्ड फॉर्म है वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फॉर्म है GQG पार्टनर जिन्होंने खरीदा है, एंड टोटल मिला के 1.87 बिलियन के पास आता है ये, अगर सब प्लस कर लेंगे ये वाली चीज। एंड जो जिन्होंने बेचा है, अदानी ने बेचा है, इसका मतलब है किसने बेचा है, तो SBI अदानी फैमिली ट्रस्ट करके एक एंटिटी है, इन्होंने बेचा है, तो ऑब्वियसली बात है अदानी फैमिली का ट्रस्ट है, तो एक तरीके से आप मान सकते हैं प्रमोटर ने ही अपना स्टेक बेचा है। अब यहाँ पर ऐसा कोई पर्पस नहीं बताया गया कि इन्होंने क्यों बेचा है ऑफिशियल सोर्सेज से, बट कुछ सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि ये किस लिए किया गया है, ताकि प्रमोटर का डेट हम रीपे कर सकें, यानी अदानी का खुद का डेट वो रीपे कर सके। एंड इसके अलावा हमने एक न्यूज कवर करी थी लास्ट ईयर, जब हमने अंबुजा और ACC सीमेंट्स का ये लोग खरीदना चाहते थे, तो उसके लिए इन लोग को लोन चाहिए था,
तो वो लोन इनको मिल जाए, मतलब वो लोन उनको मिल गया था ऑब्वियसली, एंड उन्होंने अक्वायर भी कर लिया है इन दोनों को। अब आपको अगर नहीं पता है तो ये ज्वाइंट मिलकर सेकेंड नंबर पे होल्ड करते हैं पोजिशन सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। फर्स्ट नंबर पर अभी भी अल्ट्राटेक है, तो अल्ट्राटेक देन अंबुजा है शायद, एंड देन ACC है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो अदानी सबसे ऊपर ही आ जाता है, बट इंडिविजुअली अल्ट्राटेक सबसे ऊपर है अभी तो। नाउ अब इसमें क्या हुआ है कि इसका भी, इसके एक्विजिशन के लिए भी इन्होंने 500 मिलियन का लोन लिया था, तो उसको भी ये अब रीपे करना चाहते हैं। और ये अगर आप इन जनरल थोड़ा अदानी के उसको बिजनेस को समझते हैं, फाइनेंशियल को समझते हैं, कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, आप ये बैलेंस शीट देखिए, तो इनका जो पूरी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा डेब्ट पे पम्प्ड अप है। डेब्ट पे पम्प्ड अप का मतलब होता है कि डेट ले लेकर इन्होंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारा एडिशन किया है, वैल्यू एडिशन किया है, तो अब उसको ये रीपे करने का इनका मतलब आप कह सकते हैं सही टाइम है, जब इनके ऊपर ऑलरेडी इतने एक्विजिशन लग रहे हैं और इनका स्टॉक प्राइस इतना ड्रॉप कर चुका है। नाउ इंडिया हैज क्रिएटेड द राइट कंडीशंस टू स्पर डिमांड, बहुत बेसिक न्यूज है, बहुत वेग न्यूज में इसको बोलूंगा। एक CEO मतलब चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG, जिसका हेड एंड शोल्डर्स अगर आपको पता वो आता है, तो PNG के ये आपके CEO हैं। तो इनका एक इंटरव्यू इन्होंने लिया इकोनॉमिक टाइम्स ने, एंड यहाँ पर बोला गया है, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ओवरऑल ये बोला था कि द इंडियन गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिशिंग द राइट एनवायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट डिमांड एंड हेल्प द कंट्री रीच एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा इसमें क्या लिखा है कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जो अपना चीजें एस्टैब्लिश कर रही है, जो आपकी PLI स्कीम ला रही है या जो बजट से रिलेटेड चीजें कर रही है, तो उसमें ये काफी मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि सही डायरेक्शन के अंदर इकोनॉमी जा रही है। अब हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं। अब जैसे आपका, अगर आपको ये दो टर्म समझ में आ रही है, तो आप देखिएगा पहले कि एक आपका हुआ कि इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, यानी कि पहले आपका GDP जितना बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है, बट जो बढ़ने का रेट है, जैसे 2% हुआ, 4% हुआ, तो 2% का इंक्रीज आया, फिर अगले साल में 5% पर ही गया। तो यानी कि आप अगर वैसे देखेंगे तो बढ़ तो रहा है, 2 से 4 हुआ, देन 5 हुआ, बट पहले ईयर के अंदर 2% बढ़ा, 2 से 4 जब हुआ, एंड देन 4 से 5 जब हुआ, जब 1% बढ़ा, तो ये आपका इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट होता है। अब इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट क्या होगा? इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट होगा कि जैसे पहले आपका GDP 2% था, फिर 4% हुआ, तो यानी 2% का इंक्रीज आया, अब उससे ज्यादा का इंक्रीज आना चाहिए, अब मेरी 3% का इंक्रीज आएगा, 2 से 4 हुआ, 4 से 7 हो गया मान लेते हैं, तो फिर आपका इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट है। तो मैं आपको क्या एग्जांपल दिया वापस बताता हूँ। अगर 2 हुआ पहले GDP एक साल में, देन आपका नेक्स्ट ईयर 4 हुआ, देन नेक्स्ट ईयर में 5 हो गया, तो ये इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट है। इसका आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी ऊपर से कर्व हो जाएगा नीचे की तरफ आते हुए, क्योंकि आपका ये इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट है। मैं इसका ग्राफ ऐसे बना, ऐसे हो गया आपका ग्राफ, ये बहुत रफ है फिगर, बट आप समझ गए होंगे। दो, अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट उसमें क्या हुआ, नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर 2 हुआ 4 हुआ, देन 7 हो गया, तो अब इसमें क्या हुआ, इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट हुआ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये इंक्रीजिंग के अंदर जाएगा, एंड इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा मतलब, अब क्योंकि GDP का ग्राफ तो एक ही बनता है, तो GDP के ग्राफ के अंदर क्या होता है कि अगर ऐसी फिगर्स चल रही है, तो क्या ऐसा पॉइंट अचीव होएगा कि जहां से हम इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट वाले पे चले जाएंगे, यानी हमारा जो ग्रोथ रेट है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। तो अगर ऐसा कुछ हमारा ग्राफ जा रहा है, तो क्या ऐसा पॉइंट होगा कि ऐसा चले जाएगा, ये अब मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर रेट चेंज हो गया, जहां पे रेट ऑफ चेंज हो जाता है, आपका रेट चेंज हो गया, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं, 3 years into COVID एंड अग्रेसिव फ्लू स्ट्राइक्स, एक पूरे इंडिया के अंदर, एक नॉर्थ इंडिया के अंदर स्पेशली एक अग्रेसिव फ्लू की काफी ज्यादा स्ट्राइक आ गई है, बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूजुअली नॉर्थ इंडिया हार्डली सीज एनी फ्लू केसेस इन फरवरी मार्च, तो तब भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसे काफी सारे रीजन इन्होंने कोशिश करने की वो की है कि चेंज इन वेदर, पोल्यूशन, मेनी वैरायटीज ऑफ इश्यू, रेस्पिरेटरी वायरसेस, लो फ्लू वैक्सीनेशन, कम वैक्सीनेशन हुई है, और सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग ओवर लास्ट 2 years, यानी अब जो मास्क वगैरह लोग हटा रहे हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक न्यूमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं पता, बट हाँ इनके भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पर, बहुत बेसिक न्यूज़ है, मतलब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरा एक एग्जाम भी है, मैं थोड़ा सा ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, तो मुझे वहां पर पहुंचना है जल्दी। एंड दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अगेन कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे बोल दें। अगर आप आगे न्यूज भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा पढ़ लें, एंड जो मेजर आर्टिकल्स हैं एटलीस्ट वो, जैसे आपको यहाँ पर काफी सारे एड्स हैं आज एक्चुअली, बट यहाँ पे इस वाले पेज को आप एक बार पढ़ने का ट्राई करें, वो दो तीन आर्टिकल्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट मिलता है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम थोड़ा एक दो आर्टिकल्स देख लेंगे। बाकी दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।